खबर जनपद टिहरी से है, जहां चंबा विकासखंड के ग्राम पंचायत सौड़ कखवाड़ी गांव सहित 5 गांव के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी से खुरीद कानाताल पंपिंग योजना को अनियंत्रित शिफ्ट न किए जाने की मांग की है। वहीं इस मौके पर जल निगम और जल संस्थान के अधिशासी अभियंता भी मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों से 5 गांव के ग्रामीण खुरेत कानाताल पेयजल पंपिंग योजना से लाभान्वित हैं और इस योजना से पानी की आपूर्ति हो रही है, लेकिन नवनिर्मित सुरकंडा पेयजल पंपिंग योजना से भी गांव को जोड़ा गया है, जिससे कि इस योजना से प्राप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति सुचारू नहीं हो पा रही है। ऐसे में विभाग ग्रामीणों की बिना सहमति के खुरेत पंपिंग योजना से आपूर्ति होने वाला पानी को अन्यत्र शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि बेहद ही आश्चर्यजनक बात है। इसलिए खुरेत पंपिंग योजना को पहले की तरह यथावत रखा जाए। हालांकि इस विषय को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। टीवी से बलवंत रावत की रिपोर्ट। नमस्कार आपका। आज हम अपने कानाताल क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें पूर्व में कानाताल जो 70-72 से बनी हुई हमारी कानाताल खुरेत पंपिंग पेयजल योजना, उसका पानी जो ग्राम पंचायत सौर कखवाड़ी डूंगली नगेड़ जो हमारे 3 गांव के ऊपरी क्षेत्र कम से जिसमें लगभग 500 परिवार पानी पीते थे, लेकिन 500 का कनेक्शन नहीं था। अब जो सुरकंडा पंपिंग बनी, सुरकंडा पंपिंग भी पहले जो स्वयं माध्यम से बन रही थी और बिना ग्राम पंचायतों के जो बीच में सरकार के क्या नियमों में इसमें हेरफेर करके जो अगर पंचायत के माध्यम से लेने बनती तो शायद ये दिक्कतें आज सरकार के सामने नहीं आती। लेकिन अब जो है इसमें बीच में जो सुरकंडा पंपिंग है, जो सर्वे में जो आराकुट गांव छोड़ा था, क्योंकि वह हमारा क्षेत्र गांव, हम चाहते हैं उसे भी पानी मिले, लेकिन बसर थे कि सुरकंडा पंपिंग से उसे पानी दिया जाए, न कि कानाताल, क्योंकि हमारी उम्रें खुद 50 साल हो गए, हमें 30 साल उस पानी का उपभोक्ता हम उसके हैं और उस पानी हम बिल देते हैं उसका। आज जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे एरिया के बाकी सभी लोग गांव से आ रखे थे, हमें जिला अधिकारी जी से मिलने का समय दिया गया और दोनों एक्शन जल निगम और जल संस्थान के माध्यम से हम लोग बैठे, अपनी बात रखी, क्योंकि हमारा जो मूल जो पानी हमारा पंपिंग योजना का है वो आज किसी अन्य गाँव के लिए दिया जा रहा है, जिसमें हम पूर्णतः हम लोग जो है उसमें अपनी भागीदारी नहीं समझ रहे थे, क्योंकि हमारे गांव में ही पहले इस पानी से बहुत बड़ी क्राइटी मतलब दिक्कतें हो रही हैं। तो हम लोग चाह रहे थे कि जो भी हो आरकोट या अन्य गांव के लिए जहां भी वो पानी भेजना चाहते थे, तो हम लोग सुरकंडा पंपिंग योजना से उसको फीड करें। देखिए, इसमें कुछ अभी योजनाएं जो हमारी क्रियान्वित हो रही हैं, सुरकंडा पंपिंग योजना और साथ ही खुरेत पंपिंग योजना जो पहले से है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कुछ गांव के लोगों में डिस्प्यूट हो रहा था, जिसको आज यहां पर बैठक में बुलाया गया है और इसमें आराकोट और झड़ीपानी और सौड़ आदि के गाँव के लोगों के साथ एक संयुक्त समिति बनाई गई है, जिसमें जल निगम जल संस्थान के लोग और गाँव के प्रतिनिधि भी रहेंगे, जो कि अगले 1-2 दिन में सर्वे करके हमको बताएंगे कि हम क्या बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जिससे कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो सके।